जो कृपा शब्द है ये बड़ा प्यारा शब्द है, क्योंकि कृपा कभी भी अच्छा बुरा नहीं देखती है। कृपा कृपा है, वो किसी पे भी बरस सकती है, कभी भी बरस सकती है, अच्छा बुरे का ध्यान नहीं रखती। जैसे पारसमणि लोहा किसी कीचड़ से निकाल के लाओ या किसी तिजोरी से निकाल के लाओ, मणि वह लोहा देखती है, उसकी स्थिति नहीं देखती, उसकी अच्छाई, उसका उत्पत्ति स्थान नहीं देखती है। वैसे कृपा भी अच्छा बुरा नहीं देखती। हम अच्छा बनेंगे तभी कृपा होगी, ऐसा नहीं है। कृपा जो बिना किसी हेतु के बरसती है उसको कृपा कहते हैं। जितने भी इतिहास में हुए हैं भगवान के भक्त हुए, प्रेमी हुए हैं, कोई हेतु थोड़ी था उन पर कृपा करने का, बस उनकी नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, उनको कौन सा अवगुण कब भा जाए कुछ नहीं पता, कौन सी टूटी फूटी वाणी कब उनको भा जाए नहीं पता। तो कृपा मौका नहीं देखती है, कृपा कृपा है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, पापी हो पुण्यात्मा हो। इसलिए जब भी मांगे भगवान से तो बस कृपा मांगे, क्योंकि और सहारो न मेरो, उसी का बल एक शरणागत को एक भक्त को रखना चाहिए। और सहारे क्या सहारे हमारे, क्या आश्रय बनाएंगे हम, जितने आश्रय बनाए सब हर जन्म में साथ छोड़ के चले जाते हैं, जितने सहारे पकड़ते हैं वो एक न एक दिन छोड़ करके हाथ छुड़ा करके दूर निकल जाते हैं, लेकिन एक सहारा ऐसा है जो कभी नहीं छूटता। मानव अपनी तरफ से भले छोड़ दे पर वो अपनी तरफ से नहीं छोड़ते, वो हमेशा सोते जगते हर पल हर क्षण अपने आश्रित का हमेशा ध्यान रखते। न ध्यान रखता तो बताओ, 9 महीना उस गर्भ में उस अंधकार में उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे आ पाते हैं, क्या अपनी शक्ति है किसी के पास कि उस अंधकूप से उस नरक से कोई बाहर निकल सके? नहीं, भगवान हर जीव को अपनी कृपा के आश्रित, कृपा के बल पर उसे बाहर निकालते हैं। फिर कृपा, कोई ध्यान, माफ करना कोई इस बात को बुरा माने तो, पर जितने भी हम कहते हैं ना, माता पिता परिवार रिश्तेदार, ये सब हमारे अपने हैं, ये हमें आश्रय देते हैं, इन सब ने तो कभी आश्रय दिया ही नहीं। सबसे पहले आश्रय तो भगवान ने दिया। एक जीव भोजन नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, इसलिए भगवान ने उसके लिए जन्म लेते ही माँ के स्तन से दूध की व्यवस्था कर दी। ये माँ के बस की नहीं है, अगर उसके बस की होता तो सारा जीवन ही बालक को दुग्धपान कराती ना, लेकिन उसके हाथ में नहीं है, उसका ध्यान भी भगवान रखते हैं। कब देना है, क्या देना है, कितना देना है, उनसे अच्छा हमारा हितैषी संसार में कोई नहीं हो सकता। इसलिए उन हितैषी को, हमारे जो सर्वस्व है, उनको हम ठुकरा दें संसार के लिए, वो संसार जो हमारा कभी अपना था ही नहीं, उस संसार के लिए जो हमारे अपने भगवान है उनको ठुकरा दें। प्रभु को भी क्या लगता होगा कि ये कैसा अज्ञानी है, मैं हर पल इसको देखता रहा, हर पल इसको संभालता रहा और इसको एक पल नहीं लगा मुझको बिसार देने में, भुला देने में, एक क्षण में भुला दिया। भगवान पर प्रश्न उठाने लग गया, कौन होता है भगवान? अरे जिस जीव से तू बोल पा रहा है कौन होता है भगवान, वो जीव भी तुझको उसी भगवान ने दी है,
उसी का खा रहे हम सब, उसी का जीवन जी रहे हम सब। एक आत्मा निकल जाए शरीर से, बताओ क्या रहा शरीर में, कुछ बचेगा शरीर में? हम सोचते हमारा नाम है, हम पलानी जाति के, लेकिन सोचो जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का क्या नाम रहता है? घर वाले भी मालूम है क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल से बॉडी आ रही है। कोई ये नहीं बोलता कि हॉस्पिटल से फलाना नाम लेकर के आ रहा है, बॉडी अभी रास्ता में आ रही है, बॉडी पहुंच गई है, शव यात्रा जा रही है। और जिसके सहारे हमारा नाम था, वो जब हमसे दूर हुआ तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहा। कोई कहे जी हमको हमारा परिवार बड़ा प्यार करता है, तो फिर परिवार वो शरीर, शरीर को ही तो प्यार करता होगा, फिर उसको जाके जला क्यों देता है? क्यों उसको अग्नि में जा करके, वही तो दो आंख, वही दो कान, वही दो हाथ ही तो है उसके, क्या बदला है? एक चीज बदली, उसके भीतर जो ईश्वर अंश था, जिसकी पहचान है, जिसके सहारे सब चल रहे, वो निकल गया तो शरीर की भी कोई कीमत ना रहेगी। तो फिर हम किसके हुए? अगर हम परिवार के होते तो वो रिश्ता मरने के बाद भी चलता, क्यों नहीं चलता? मृत्यु के बाद क्यों अगले जन्म में फिर नए रिश्ते बन जाते? क्योंकि एक एकमात्र कोई रिश्ता है, संबंध है, तो वो एकमात्र ठाकुर जी से है, श्री राधा रानी से है। इसलिए भले ही अब कोई ये कह दे कि जी अगर ऐसा बोलने के बाद क्या सब रिश्ते हम ठुकरा दें, बोले ठुकराओ नहीं, पर मन में ये सोचो, मन में ये बिठाओ कि ये रिश्ते एक दिन छूटेंगे, ये एक दिन छूटेंगे, फिर नए मिलेंगे। इससे पहले भी कितनी बार कितने रिश्ते मिले थे, कितने परिवार मिले थे, नाम भी नहीं याद। आज जिनको सोच रहे हमारे जाने के बाद ये कैसे रहेंगे, पिछलों को छोड़ाए उनके, हमारे जाने के बाद वो भी जी तो रहे होंगे जहां होंगे, ये वाले भी जी लेंगे, सब रिश्ते बदलेंगे, पर ठाकुर जी और हमारा रिश्ता, तुम पशु भी बन जाएं, हम देवता भी बन जाएं, हम कीड़ा भी बन जाएं, हम मानव भी बन जाएं, तो भी रहेंगे भगवान के, तो भी यही कहा जाएगा कि ये जीव परमात्मा का है, ये भगवान का है। इसलिए उस संबंध को, इस रिश्ते को जो हमारा सतत संबंध है ठाकुर जी के साथ, श्री राधा रानी के साथ, मन में ये सोचते रहना चाहिए। भजन क्या बोले, जब हमारे हृदय में जैसे कोई व्यक्ति कहीं घर से बाहर चला जाता है, घूमने के लिए जाता है, घूमेगा 5 दिन 10 दिन 20 दिन, बढ़िया लगेगा, फिर 10-20 दिन बाद क्या होता है, बोले अब घर की याद आ रही है, अब घर का स्मरण आ रहा है, घर वालों की याद आ रही है, अब घर जाना है। वैसे भी बोलते हैं ना, जब आदमी कहीं से घूम घाम के घर आता है ना, तो बड़े आराम से तसल्ली से सोफे पे आके बैठ के कहता, अब घर आके थोड़ा तसल्ली मिली, थोड़ा आराम मिला। पर ये मत भूलिए कि ये भी अभी असली घर नहीं आए हैं, और जब तक असली घर नहीं जाएंगे तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी, तब तक जीवन चिंताओं से गढ़ा ही रहे। लाख कोशिश कर लो, कोई लाख कह दे कि हम चिंताओं से मुक्त हैं, नहीं, चिंता कभी आएंगी और उसको परेशान करेंगी, हताश करेंगी, क्योंकि अभी असली घर नहीं पहुंचा है ना,
बाहर घूमते रहो तो धक्का तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अव्यवस्थाएं मिलेंगी। असली घर क्या है हमारा? असली घर हमारा श्री ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, वो हमारा असली घर है। जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे ना, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी और इसमें भटकाव बना ही रहेगा, भटकाव बना ही रहेगा। तो उन तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले बस उनका नाम लेते रहो, नाम स्मरण करते रहो, साधु संग करते रहो, भक्तों का संग करते रहो, सत्संग सुनते रहो। जब लगे कि अब थोड़ा भूल गए, संसार बढ़िया ज्यादा लगने लगा है, भगवान की याद कम आ रही है, तुरंत पहुंच जाओ किसी अच्छे महापुरुष संत की शरण। जैसे मोबाइल जब लगता है ना कि अब बैटरी थोड़ा सा डाउन होती जा रही, तुरंत चार्जिंग पे लगा देते हैं ना। शरीर की भी अपनी बैटरी है, कुछ समय तक चलती है, जैसे ये थोड़ा भगवान से दूर हुआ नहीं, संतों से दूर हुआ नहीं, फिर मोह माया में फंस जाता है, फिर इसको निकाल के लाना पड़ता है। चल मन, चल हरि स्मरण कर, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कथा कह लीजे। तो फिर इस मन को फिर खींच के लाना पड़ता है भगवान की ओर। एक ही बार कथा सुन करके साधु संग करके राजी हो जाओ, हाँ हो गया काम हमारा, तो सुन ली भागवत जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। जन्मों जन्मों से फंसा है ये मन माया में, ऐसे नहीं निकलेगा, इसको धीरे 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 खींच खींच करके भगवान में लगाना पड़ेगा। और प्रयास से सब संभव है,